हैं। असम को हिंदुस्तान से अलग करने का जहरीला बयान देने वाला शर्जिल इमाम याद है ना आपको? ये मोहतरमा उन्हीं भड़काऊ भाईजान की दोस्त हैं। नाम है आफरीन फातिमा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा जो अब जेएनयू में पढ़ाई कर रही हैं। शर्जिल इमाम जमींदोज है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो जहर उगलने का ठेका अब आफरीन ने ले लिया है। उसी का नतीजा है 10 मिनट का ये वीडियो, जिसमें टुकड़े गैंग के साथ साथ आतंकी अफजल गुरु के लिए भी बेइंतहा हमदर्दी झलक रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए अब्दुल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद। सैकड़ों की भीड़ में खड़ी ये मोहतरमा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को मुस्लिम विरोधी बताते हुए सड़कों पर उतरने की धमकी देती है और सरेआम देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने इस वीडियो के बोल पर भी सवाल उठाए हैं। अब उस नापाक शर्जील इमाम के बाद जरा इस मोहतरमा को भी सुन लीजिए। हमें किसी पर भरोसा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं। अफजल गुरु निर्दोष था, राम जन्मभूमि पर मस्जिद बननी थी। दोस्तों, इतने जहर की खेती इन कुछ ही दिनों में तो नहीं हुई होगी। एक तरफ केंद्र सरकार साफ शब्दों में लगातार दोहरा रही है, हर मंच से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सीएए कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर भविष्य बनाने की जगह आफरीन फातिमा जैसे चेहरे क्यों सियासत का मोहरा बन रहे हैं? सवाल वाकई है कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ बगावती ऐलान क्या किसी साजिश के तहत हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के ताजा बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने शशि थरूर के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि अब इस देश का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। मैंने सुना है जिन्ना भी आ गए हैं हिंदुस्तान की सियासत में। मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब इस देश का कोई बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो नेहरू गांधी परिवार पर ही देश की राजनीति का जिन्नाकरण करने का आरोप लगाया। नेहरू के जो पीढ़ी है और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर 70 साल इस देश में राजनीति किया है, तो यदि जिन्नाकरण किसी ने किया है ये कांग्रेस और राहुल गांधी के परिवार। आपको बता दें कि रविवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि अगर सीएए का रास्ता एनआरसी और एनपीआर की ओर जाता है तो ये जिन्ना की जीत होगी। सीएए पर आप कह सकते हैं कि ये एक कदम आपको जिन्ना की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर अगला कदम एनपीआर और एनआरसी होगा तो आप ये मान लें कि पूरी तरह से जिन्ना की जीत हो गई। एनपीआर एंड एनआरसी दैट वुड परस्यू द सेम लाइन इफ दैट हैपेंस ओनली देन वुड यू से दैट जिन्नास विक्ट्री इज कंप्लीट। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिन्ना के नाम पर विवाद उठा है। पिछले दिनों सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भी कई जगहों पर जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे थे, जिसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।